नमस्कार, दिव्यांग आरक्षण और उनका उल्लंघन साथ साथ कैसे किया जाता है? भारत के सभी राज्यों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता हंसी का पात्र बन चुका है। खुले आम विभाग उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। कहा गया दंड का प्रावधान, अधिनियम बनते रहेंगे, करोड़ों रुपए खर्च होते रहेंगे और दिव्यांग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए त्राहिमाम करते रहेंगे। वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रो वेटनरी कॉलेज पटना 14 इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 2/2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27 सितंबर 2023 आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 का फॉर्म विभाग के द्वारा निकल गया, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। उनमें विभाग के कर्मचारियों के द्वारा तुगलक की फरमान जारी किया जा रहा है। तुगलक की फरमान यह है कि जो भी दिव्यांग छात्र प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना से कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है या मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना से कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है, उसका सर्टिफिकेट को मान्य नहीं माना जाएगा। तब मान्य किसका सर्टिफिकेट माना जाएगा? जो एक साधारण संख्या के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त होते हैं या कोचिंग का साधारण रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट मान्य होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ऐसा दिव्यांग छात्रों को कहा जा रहा है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। और कहीं ना कहीं यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भी अपमान है, जो राज्य और देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ऐसे चल रहा है। भारत में अफसरशाही और बिहार में अफसरशाही, जहां पर दिव्यांगों को उनके संवैधानिक अधिकारी उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। दूसरी घटना बिहार से ही संबंधित है। यहाँ पर भी खुले आम नियमों की अनदेखी की जा रही है और दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड पटना, विज्ञापन 48/2023 में 1200 नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई 2023 में अक्टूबर माह से, जिसमें 4 विभिन्न पदों पर छात्रों की नियुक्ति करनी है, जिसमें 2 पदों पर दिव्यांग छात्र अपना आवेदन दे सकते हैं और 2 पदों पर वह अपना आवेदन नहीं दे सकते, वह उनके योग्य पद नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम कहता है कि मान लीजिए 4 पद हैं, जिसमें से 2 पदों पर ही दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नियुक्ति हो सकती है, तो इस 2 पद पर 4 आरक्षण दिया जाएगा और उसे खाली नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है और यह भी खुले आम दिव्यांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ अभी शिक्षा विभाग के द्वारा
पहली से पांचवी कक्षा के गुरुजी की नियुक्ति हुई है, जिसमें कुल सीट बिहार में 80,000 था, जिसमें से दिव्यांगों की नियुक्ति 4% करना था, लेकिन 0.5% नियुक्ति ही हो पाया है, बाकी सभी सीट खाली है। उदाहरण में के लिए बिहार के जमुई जिला में 40 सीट मौजूद थी दिव्यांगों के लिए, जिसमें 10 सीटों पर ही दिव्यांगों की नियुक्ति हो पाई है, बाकी 30 सीट खाली हैं। यही स्थिति आम तौर पर सभी जिलों की है, जहां पर छात्र मौजूद नहीं होते हैं वहां पर सीट बैकलॉग में जाता है, लेकिन जहां पर छात्र मौजूद होते हैं वहां पर परसेंटेज को घटाया जाता है। क्या घट कर सभी दिव्यांग छात्रों को लिया जाएगा? जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में लिखित है और वर्णित है, लेकिन इसके लिए कोई आदेश अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो यहाँ भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का धज्जिया ही उड़ाया जाएगा। इसलिए इस समस्या को लेकर व्यापक स्तर से सरकार से जवाब तलब करेंगे। तोशिया के दिव्यांग छात्रता की भ्रष्टाचार समाप्त हो सके और रोजगार को पाकर वह आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद।